राजेश गोयल जी का, रावण जी का, मैं सुनीता कौशिक जी का, जिन्होंने आज ये छोटे समय में, कम समय में, ये कोरोना काल के समय में भी इस प्रकार का एक आयोजन कर दिया। पार्टी का आदेश हुआ है कि 30 तारीख से हम लोग सेवा कार्यों में और अच्छे ढंग से जुटेंगे, तो अध्यक्ष जी हमने उस 30 तारीख को थोड़ा एडवांस कर लिया, क्योंकि इस समय जरूरत ज्यादा है इस चीज की जो हम आज दे रहे हैं। आपका है तो बधाई देता हूँ, रोज ही जन्मदिन है, जिसके जिसकी जान बची उसका जन्मदिन है। तो 30 तारीख को हम आज एडवांस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये जरूरत है आज ये ऑक्सीजन की, उसके बारे में विस्तार में बाद में बात करेंगे, परंतु मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी पहले हम वितरण कर दें, जिन जिन लोगों को देना, जो जो हमारे झुग्गी के लोग आए हैं, हमारे सेवा बस्ती से लोग आए हैं। वो ये रखा था कि मैं राजनीतिक विषय तो नहीं रखना चाहता, परंतु हाल में कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा कि हम ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर का पूल बना रहे हैं। पता नहीं कहीं पूल बन गया जो पूल में डूब गए खुद के खुद, परंतु हमने ये चिंता करी कि जो हमारी सेवा बस्ती में लोग रहते हैं उनको भी ये सुविधा मिले, उनके पास भी ये सुविधा रहे, उनके घर पे ही रहे, उनके उनके क्लस्टर में ही रहे, और आपस में वो शेयर करें, आपस में बांटे। और उसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले कठपुतली कॉलोनी से जो लोग कार्यकर्ता हमारे आए वो आ जाए, आगे आ जाए, कठपुतली में कठपुतली के कार्यकर्ता आगे आ जाए। एक मशीन आगे वाली जल्दी, पहले आगे वाली कोई मशीन आप दे दो, आगे यहाँ ऊपर रख दो, एक दे देंगे। हरे राम जी आए हैं, हाँ पूरन जत जी आए हैं, पूरन भट्टी सॉरी, और सावरिया जी यही उठा लो, यही दे दो, एक आगे ये छोटी ये बड़ी वाली ये दो, ये मैं आरपी सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के प्रभारी अशोक गोयल जी और राजन तिवारी जी, और इसके साथ ही साथ हमारे जिले के अध्यक्ष राजेश गोयल जी और यहाँ की लोकप्रिय निगम पार्षद सुनीता जी, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन शैल बिहारी गोस्वामी जी और जिले के महामंत्री सुरेश जी और सभी यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हम लोग सेवा ही संगठन ये कार्यक्रम चला रहे हैं, जो ये मुहिम सरदार आरपी सिंह जी ने शुरू की है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक क्लस्टर में वहाँ जाएगा और एक उसके साथ वेपोराइजर और ऑक्सीमीटर, तीन वेपोराइजर और ऑक्सीमीटर, जिससे कि पहले तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा किसी को दिक्कत ना आए, और अगर आए तो आपके लिए सुरक्षित ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल जांच कर सकते हैं, और इसको तो जरूर इस्तेमाल करें वेपोराइजर को, ये बहुत अच्छी पहल है, मैं इसको बहुत बधाई देता हूं। और आप लोगों के लिए लगातार पार्टी और सरदार आरपी सिंह जी काम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। संगे ये तो हमारे डीएनए में है पार्टी में, जो 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 बीजेपी में काम करेगा उसके डीएनए में है कि हमने समाज की सेवा करनी है। थोड़ा हमें लगा कि थोड़ा आगे बढ़कर करें और अध्यक्ष जी से बात करिए, अध्यक्ष जी का बिल्कुल करना चाहिए, हमने कहा तुरंत हम इस पर चिंता करते हैं, और ईमानदारी से कई लोगों ने योगदान दिया इसमें। ये विक्रमजीत सिंह सानी है, हमारे दोस्त हैं, उनसे निवेदन किया, एक सेवा इंटरनेशनल हमारा संगठन है संघ का, आरएसएस का, उन्होंने योगदान दिया, एक हमारे सरदार जी और हैं उन्होंने योगदान दिया, हमने जिसको निवेदन किया, ढांजी को कहा, इन्होंने तुरंत अपने वेपराइजर भेज दिए, किसी और सज्जन को बोला उन्होंने, हमने ऑक्सीमीटर भेज दिए, तो समाज के योगदान से ही सारा चल रहा है। मैं चाहूँगा जी पहला एक आप दे दें, उसको एक एक कर देंगे जी, ये ले लीजिए, एक ले लीजिए, एक मिनट, हाँ भाई साहब इधर सामने से हमें दिखा देखते हुए एक बार ही चेक कर लीजिए सर, थोड़ा सा साथ में आ जाइए, मामा मामा इधर 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 मामा, चलो इधर देखिए, इधर मारोगे मुझे।